ठीक है देखो, अभी हम लोग को आ रहा है सिंपल यहाँ पे। तो हमारा सबसे पहला गोल क्या है कि हम लोग को जो देखना है वो देखेंगे, हम लोग कलर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे यूटिलिटीज में चलते हैं। यूटिलिटीज ओके, देखो यहाँ पे देखो कलर्स, कलर्स पे क्लिक किया मैंने, या फिर सर्च भी कर सकते हैं आप लोगों पर। बूटस्ट्रैप ने क्या किया, कुछ क्लासेस बना के रख दी हमारे लिए, और पर्टिकुलर कुछ ही कलर है उनके लिए क्लासेस बना के रखे देखो यहाँ पे, और इन क्लासेस को हम लोग सिंपल यूज करने का इनको। ठीक है, इतना ही करेंगे हम लोग। अच्छा और भी बाकी है वो भी देखते हैं। वो एक कंटेनर बना लेता हूँ मैं, सबसे पहले कंटेनर में एक रो भी बना लेता हूँ। रो भी बना लिया मैंने, इसमें कुछ सिंपल से टेक्स्ट ले लेते हम लोग, उसमें कॉलम भी ले लेते हैं हम लोग। चलो कोई नहीं, कॉलम ले लेते हैं। तो पहले एक कॉलम ले लेते हैं, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ी तो ले लेंगे वहां पे। तो इस कॉलम में मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ टेक्स्ट लेंगे हम लोग जिसको हम लोग कलर देने वाले हैं। मान लो पैराग्राफ ले ले, या फिर कोई स्पैन टैग ले लो, कोई भी ले लो, या फिर हेडिंग ले लो। मान लो मैं लिया हेलो, यहाँ पे देखो ऊपर, अभी ऊपर देखो यहाँ पे, इधर पे देखो ये टेक्स्ट आया। ठीक है, अब हम लोग को अप्लाई करना है ये वाले क्लासेस, ये वाले क्लासेस का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में आपको दिखाता हूँ। मान लो टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, अगर आपने अगर ये यूज किया यहाँ पे S2 के ऊपर क्लास के अंदर, यहाँ पे आपने यूज किया टेक्स्ट प्राइमरी, तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो बूटस्ट्रैप डॉट सीसीएस में आया मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए। देखो जब हम लोग टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी यूज करेंगे तो बूटस्ट्रैप ने कलर डिफाइन करके रखा है वहां पे उसके लिए। देखो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा फौरन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी यूज किया तो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ओके यहाँ पे देखो किस तरह से हुआ इसका कलर ये वाला। ठीक है, अब ऐसे काफी सारे हैं देखो यहाँ पे, सेकेंडरी है टेक्स्ट, सेकेंडरी हाइफन सेकेंडरी। तो अगर मैंने ये यूज किया यहाँ पे, देखो इसको हटा देता हूँ मैं, या फिर दूसरा स्टूल ले लेते हैं हम लोग। मैंने देखो ये अप्लाई करके देखा है यहाँ पे, मतलब मैंने अप्लाई किया क्लास टेक्स्ट हाइफन सेकेंडरी, तो ये वाला कलर यहाँ पे आ जाएगा। देखो नेक्स्ट वाले पे थोड़ा ग्रे टाइप है कलर, आई थिंक ग्रे ही बोलेंगे हम लोग उसको। टेक्स्ट सक्सेस, हम लोग को ग्रीन अगर लाना है कुछ ही हमको मिलते हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा फिर वहां पे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कैसे करने का अपने को, जब भी कोई प्रोजेक्ट करे आप लोग, तो मैं तो बोलूंगा आप लोग जिस तरह बूटस्ट्रैप ने बना के रखा है क्लासेस, तो आप लोग भी बनाओ वैसे क्लासेस। ठीक है, आपको चाहते हैं तो आप बूटस्ट्रैप वाली फाइल में करो, या फिर मोस्टली होता क्या है, देखो मैं पिछले कुछ आई थिंक 1 वीक पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैंने देखा तो उस प्रोजेक्ट में कलर्स डॉट सी एस एस, जिसमें पूरे कलर्स हम लोग बना के रखते हैं ऑलरेडी, वहां पे क्लासेस बना के रखेंगे कलर्स के लिए। ठीक है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो फिर वो वाले क्लासेस मैं यूज करूंगा वहां पे। ठीक है, जिस तरह मैंने बूटस्ट्रैप को लिंक किया वैसे ही कलर्स डॉट सी एस एस नाम एक फाइल बनाऊंगा। और क्या होता है इससे कि हम लोग अलग अलग चीजें रख लेंगे, मान लो जैसे मीडिया क्वेरीज हमारे पास ज्यादा है तो मीडिया क्वेरीज को अलग रख देंगे हम लोग मीडिया डॉट सी एस एस में, ऐसे अलग अलग फाइल बना के रखने का, ताकि हमारा क्या हो जाएगा जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनाइज वे से चलेगा फिर। ठीक है, देखो अभी सिक्स यहाँ पे लगाया मैंने टेक्स्ट हाइफन सक्सेस, तो देखो ग्रीन टाइप कलर का है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट भी देखना है हम लोग को आज, तो वो भी याद आ रहा है। देखो ऐसे अभी दिखाने जैसे तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से उठा लो बस, देखो कौन सा वाला क्लास है, देखो ये कलर आएगा यहाँ पे, ये यूज किया तो ये यूज किया ये आएगा। देखो टेक्स्ट हाइफन लाइट में देखो क्या होता है, ये दिखा देंगे चीजें यहाँ पे। देखो देखो दिख नहीं रहा है यहाँ पे एक्चुअली, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, देखो मैंने सेलेक्ट किया फिर दिख रहा है, ये थोड़ा लाइट हो कलर लाइट हो चुका है इसका, इसलिए इन लोगों ने बैकग्राउंड डाला है पीछे। ओके, म्यूटेड, अगर म्यूटेड करना है हम लोग को, देखो इस तरह से कलर चाहिए तो ये करना है हम लोग को, सिंपल अपने सामने बस डॉक्यूमेंटेशन रखना है और एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग को देख के करना है। यहाँ पे देखो अभी क्या है, इन लोगों ने और किया है, देखो यहाँ पे लिंक है, अगर किसी लिंक को हम लोग को करना है तो देखो यहाँ पे उन लोग इसको भी कर सकते हैं हम लोग, किसी भी लिंक को देखो इस तरह से एंकर टैग है हमारा, एंकर टैग के ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग ये क्लासेस लगा सकते हैं। ठीक है, एक एंकर टैग में आपको दिखाता हूँ, चलो यही से उठा लेता हूँ मैं, क्योंकि ये सेम टू सेम है ना, इतना कुछ हार्ड वाला पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह से देखो एंकर टैग है मेरा, एक एंकर टैग और ये पैराग्राफ टैग, सिंपल हम लोगों सिर्फ यूज किया मैंने एंकर के ऊपर क्लास लगा एंकर को कलर रिफ्रेश।
देखो नीचे देखो प्राइमरी प्राइमरी लिंक, अगर आप चाहते हैं इसको प्राइमरी ना सक्सेस वाली हो जाए, सक्सेस देखो रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये ग्रीन टाइप हो चुकी है लिंक, ठीक है अपना हम लोग यहाँ पर सक्सेस लिंक। चलते हम लोग बैकग्राउंड की तरफ आते हैं, बैकग्राउंड कलर्स। तो बूस्टर ने क्या कहा कि जिस तरह आप लोग टेक्स्ट को कलर देते हैं ना, उसी तरह से बैकग्राउंड भी दे सकते हैं हम लोग। तो उन लोगों ने कुछ क्लासेस बना के रखी कुछ कलर्स के लिए, वो हम लोग को यूज करनी है, ठीक है। बैकग्राउंड डू नॉट सेट कलर, सो इन सम केसेस यू विल वांट टू यूज टेक्स्ट हाइफन यूटिलिटीज, ओके ठीक है। यहाँ पे देखो लोग क्या करना है, बीजी प्राइमरी अगर हम लोग ये यूज करते हैं, बीजी डैश बीजी हाइफन, मैं हाइफन बोलता हूँ उसको, तो बीजी हाइफन प्राइमरी अगर यूज करते हैं तो बैकग्राउंड इसका ये कलर का हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ इसके नीचे, ले लेते हैं हम लोग कॉलम बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक एस टू ले लेता हूँ और एस टू में लिखता हूँ बीजी प्राइमरी, ओके। हम लोग इसके ऊपर यही क्लास लगाने वाले, एस टू के ऊपर मैंने लगाया बीजी डैश या फिर बोल सकते हाइफन प्राइमरी, ओके। सिंपल आपको क्या करना है, टेक्स्ट अगर यूज करते हैं हम लोग प्रीफिक्स मतलब टेक्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा कलर होगा, ठीक है, बट हम लोग बीजी से स्टार्ट करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड इफेक्ट करेगा। रिफ्रेश यहाँ पे, ठीक है देखो बैकग्राउंड हो चुका है ना इसका। आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के साथ साथ आपको टेक्स्ट भी बदलना है तो आप लगा यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन ऊपर, हम लोगों ने जितने भी देखे ना टेक्स्ट लाइट हम लोग लगा देते, देखो टेक्स्ट भी चल कलर चेंज होगा वहां पे, यहाँ पे देखो टेक्स्ट व्हाइट हो चुका है, राइट सिंपल है। और जो मोस्टली चीजें यूज होती है उन लोगों ने यही दी है। क्या हुआ क्वेश्चन है किसी का, ओके आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो फिर आप लोग कब बोलेंगे फिर यार मुझे बताना तो था ना आप लोग। बाकी सिर्फ देखो किसी ने मुझे किसी ने नहीं बोला, सिर्फ वैष्णवी ने ही बोला मुझे, बाकी लोग कैसे समझ रहे हैं फिर मैं बता रहा था आप लोगों को, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी, बाकी लोग ने बताना चाहिए ना मुझे, मुझे लगा आप लोगों को समझ रहा है। मैं देखो यहाँ पे ये कर रहा था, मैं मुझे गलती से मैंने क्या किया स्क्रीन शेयर करना भूल गया मैं, एक्चुअली आप लोग का बताना चाहिए था मुझे, मुझे एक्चुअली अच्छा हुआ वैष्णवी ने मुझे बताया। यहाँ पे देखो अगर मुझे बैकग्राउंड इसका दूसरा चाहिए तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट लाइट और टेक्स्ट लाइट अगर हम लोग चाहते हैं टेक्स्ट सक्सेस चाहते हैं दूसरे में, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड भी इसका मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो हम लोग को चाहिए बैकग्राउंड मान लो डेंजर वाला चाहिए, ये वाला बीजी डैश डेंजर, तो मैंने ये यूज किया बीजी डैश डेंजर, देखो इससे क्या हो जाएगा वो जो कलर है ना हमारा वो यहाँ पे लग जाएगा बीजी डैश डेंजर। आप लोगों ने किस तरह से काम कर रहे हैं लोग, ये सिंपल सी चीज है, हम लोग को बस क्लासेस यूज करना है यहाँ पे, बाकी वो अपने आप हो जाएगा काम, ठीक है। देखो ये अच्छा देखो ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे याद होगा आप लोगों को, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नाम का एक हम लोग यूज करते थे पहले भी, तो अगर हमें कुछ चीज ट्रांसपेरेंट चाहिए तो ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बीजी डैश ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे देखो मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको बीजी डैश, किया मैंने सिंपल यहाँ पे बीजी डैश डेंजर, ठीक है देखा आप लोगों ने, ये ट्रांसपेरेंट हुआ इसका बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड में रहेगा वही कलर उसको हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर देखते आप ओके हम लोगों ने देखा है एक्चुअली, ये नहीं ये वाले प्रॉपर्टीज नहीं हुआ एक्चुअली, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लोड टेक्स्ट कहाँ, ओके टेक्स्ट में चलते हैं अभी टेक्स्ट में, ओके यहाँ पे देखो अलाइनमेंट के लिए मैं मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा मैं यूज करता था टेक्स्ट हाइफन सेंटर लेफ्ट राइट, तो ये जो है अलाइनमेंट हम लोग पहले यूज करते थे प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट वाली अलाइनमेंट, देखो जस्टिफाई सेंटर लेफ्ट राइट, तो उसी के लिए बूस्टर अपने क्लास बना के दिया हम लोगों को ताकि हम लोग सिंपल तरीके से अलाइन कर सके चीजों को। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है हमारा, यहाँ पे एडवांटेज क्या है हमारा कि हम लोग यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन मीडियम स्क्रीन लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं चीजों को, ठीक है ये हमारा एडवांटेज है यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं काम करता हूँ एक दूसरा कंटेनर बना लेता हूँ, चलो यहाँ पे नीचे एक कंटेनर बनाता हूँ और एक कंटेनर,
है, इसको नाम दे देते हम लोग ऊपर, हम लोग नाम देते हैं इसको, हम लोग को देना है टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक रो बना लेता हूँ, डॉट रो, रो बना लिया मैंने। और रो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब इन चीजों को यूज करेंगे। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सी लाइन डाल रहा हूँ यहाँ पे स्पैन करके, या फिर पैराग्राफ डालते हैं, चलो पैराग्राफ डालते हैं यहाँ पे, वो भी 10 words का पैराग्राफ डालते हैं, 10 words का पैराग्राफ, 10 words का पैराग्राफ है, ओके। तो अब इसको हम लोग करेंगे अलाइन। तो पहले, सबसे पहले इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देते हैं, इसको इसकी विड्थ भी हम लोग सेट कर लेते हैं, विड्थ 25, ओके, हाइट इसकी 25 कर लेते हैं, या फिर 50 रहने दो हाइट। बैकग्राउंड इसका कर लेते हैं लाइट, ओके। और इसका टेक्स्ट का कलर है वो टेक्स्ट हाइफर, जो भी है हम लोगों को करना है, अगर प्राइमरी तो प्राइमरी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आए हम लोग, रिफ्रेश किया मैंने, अनज़ूम करके देखो, यहाँ पे देखो, दिखा हमें पैराग्राफ ये वाला, जो भी हम लोगों ने सीएसएस लगाई वो काम कर रही है उसके ऊपर। हम लोग चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट हो अभी पूरे रो के अंदर। अभी रो हमारी कितनी है, 100% यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी ये तो बाय डिफॉल्ट देखो लेफ्ट अलाइनमेंट में, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अलाइन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं डायरेक्टली रो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट हाइफर लेफ्ट लिखूंगा अगर मैं, तो देखो लेफ्ट में है, तो पहले बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट में है ना वो यहाँ पे, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। बट जैसे ही मैंने किया सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखो इसका जो टेक्स्ट है ना यहाँ पे, देखो ये सेंटर में आ चुका है इस तरह से। फिर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर भी यूज कर सकता हूँ, वहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं मुझे टेक्स्ट सेंटर। देखो यहाँ पे मैंने वहाँ पे यूज किया कि यहाँ पे किया, एक ही बार यहाँ पे करना चाहिए था मुझे। अगर मैं लेफ्ट रखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट हाइफन लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी इसको, देखो यहाँ। अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर रहा हूँ, सेंटर, तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाएंगी। अगर मैं करता हूँ इसको राइट, तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएंगी यहाँ पे, देखो इस तरह से राइट अलाइनमेंट। अगर मैं करता हूँ जस्टिफाई, याद होगा जस्टिफाई, जस्टिफाई हम लोग ने नहीं करता, जस्टिफाई टेक्स्ट जस्टिफाई, देखो ये जस्टिफाई हो चुकी है यहाँ पे, देखा आप लोगों ने, यहाँ पे जस्टिफाई हो चुकी है ये। तो इस ये जो क्लासेस है हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये जो क्लासेस है ना हम लोग इनको ब्रेक पॉइंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे करना है, अगर मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो जस्टिफाई है वो सिर्फ मीडियम स्क्रीन तक रहे, तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे करके, इसको MD लगाया मैंने बीच में, देखो यहाँ पे मीडियम स्क्रीन तक रहे मैं ऐसा चाहता हूँ, यहाँ पे देखो ओके क्या है, यहाँ पे जस्टिफाई लिखा है हम लोगों ने मीडियम स्क्रीन तक, मिनट हम लोगों ने सही यूज किया है यहाँ पे। एक चीज देखो यहाँ पे लेफ्ट, ओके लेफ्ट अलाइनमेंट रहे, मान लो हम लोग ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट रहे, ठीक है लेफ्ट है यहाँ पे। और जैसे ही मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, मान लो मैंने छोटा किया इसको, लाइट रहे और बाय डिफॉल्ट बाद में आ जाए उसकी जगह पे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ओके। यहाँ पे देखो आपको चेंज दिखेगा कि मैं ये राइट अलाइनमेंट है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट MD राइट, इसका मतलब क्या है, मीडियम स्क्रीन तक ये राइट में रहे, और जैसे ही मैं मीडियम स्क्रीन के बाद वाले डिवाइसेस पे आऊँ तो ये उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाए, देखो मतलब वो हो जाएगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होती है ना, वहीं पे चली जाएंगी वो। अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मतलब स्मॉल की स्क्रीन के ऊपर मैं चाहता हूँ इसकी अलाइनमेंट हो जाए जस्टिफाई, तो मैंने लिख दिया वहां पे जस्टिफाई SM जस्टिफाई, देखो टेक्स्ट SM जस्टिफाई, ठीक है। रिफ्रेश हो नहीं रहा, आई थिंक चेक कर लेते फिर से, हो जा नहीं हो रहा है, ऐसी क्यों हुआ, जस्टिफाई काम नहीं कर रहा है, आई थिंक यहाँ पे चेक कर लेता मैं क्लास को, यहाँ पे जस्टिफाई नहीं दिया है लोगों ने, लेफ्ट वगैरह ही दिखा है, होना चाहिए था, बट टेक्स्ट SM जस्टिफाई, चलो कोई नहीं, आई थिंक इसमें कुछ हो सकता है, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं क्लास है क्या ऐसा अवेलेबल, बूस्टर ब्राउज है हमारे पास, जाके देखते हैं। इस तरह का कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है, देखो यहाँ पे कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है जो मैं अभी यूज कर रहा था, बट टेक्स्ट SM लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, सेंटर वाला है, बट जस्टिफाई वाला जो है उसके लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट नहीं यूज करते, यहाँ पे नहीं है कोई भी क्लास, मैंने जस्ट सर्च किया यहाँ पे, सब तो याद नहीं रखेंगे ना हम लोग, कुछ ना कुछ तो उसमें देखना ही पड़ेगा हमें, यहाँ पे नहीं है देखो वैसे कुछ, ये है अलाइनमेंट का हमारा, ठीक है। तो इतने ही देखो यहाँ पे, जितने लोगों ने बताया उतने ही याद रखना आपको, यहाँ पे देखो ओके, टेक्स्ट रैपिंग एंड ओवरफ्लो, अच्छा ठीक। तो
ओवरफ्लो, ये जो है ओवरफ्लो, कल मैंने आई थिंक आपको ओवरफ्लो नहीं बताया ना, बताया था मैंने। अगर मान लो ये कंटेंट है, इसकी विड्थ इतनी है, विड्थ और हाइट, अगर इसमें कंटेंट ज्यादा होता है, मान लो बढ़ा लेते हैं 100 या फिर 50 वर्ड्स कर लेता हूँ, देख लेते हैं बाहर जा रहे हैं। नहीं वेट मिनट, वेट मिनट, दूंगा मैं इसको अभी, और उसे हटाने के बाद में इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो, देखो मैं क्या कर लेता हूँ। उसको 50 पिक्सल्स, देखो यहाँ पे जो कंटेंट बाहर जा रहा है ना, देखो स्पीड एक्स से बाहर गया कंटेंट, तो ओवरफ्लो हुआ। हम लोग ओवरफ्लो को कैसे मैनेज करते थे, हैंडल करते थे, ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी से। ओवरफ्लो ऑटो लगा लेते हम लोग, मान लो यहाँ पे एक स्क्रोल आता था, देखो ये वाला स्क्रोल, यहाँ पे ये वाला स्क्रोल आया, ठीक है। बट यही काम हम लोग को क्लास के थ्रू करना है, तो कैसे कर सकते ये, यही काम हम लोग को, उसके लिए क्लास मिलता है यहाँ पे ओवरफ्लो। देखो यहाँ पे मैं दिखा था आपको ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हम लोग चलते हैं bootstrap.css में, और यहाँ पे चल के सर्च भी कर लेते हैं ओवरफ्लो। देखो ओवरफ्लो और कहाँ पे है, ओवरफ्लो ओवरफ्लो हिडन, इस तरह के क्लासेस बना के रखे इन लोगों ने। ओवरफ्लो डैश हिडन अगर लगाते हैं हम लोग तो ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। देखो ये वाला क्लास में अगर यूज करो ना यहाँ पे ओवरफ्लो में, तो ये बाकी का जो टेक्स्ट है ओवरफ्लो हिडन लगाया ना मैंने, तो ये बाहर जो आया है ना वो हाइड हो जाएगा। देखो रिफ्रेश हो जा, नहीं हुआ क्या, गलती की हम लोगों ने। ओके देखो हो चुका है, वो एक्चुअली सेव नहीं हुआ था, देखो हो चुका है यहाँ पे, जो बाकी का टेक्स्ट है वो हाइड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दूसरा मान लो ओवरफ्लो ऑटो लगा लेता यहाँ पे, यहाँ पे देखो एक ऑटोमेटिकली एक स्क्रोल बार आ गया यहाँ पे इस तरह से, तो जो कंटेंट था वो हमें स्क्रोल करके देखने के लिए, ठीक है। तो ये क्लासेस है यहाँ पे जो यूज होती है कभी ना कभी। देखो ये ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ऑटो, ठीक है, समझ आया होगा ये वाला दो ओवरफ्लो का, एक कल मैं रह गया था बताने के लिए आपको। और दूसरा है आप लोग यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, वो आऊंगा मैं पॉइंट के ऊपर, बट हम लोग को अभी टेक्स्ट ओवरफ्लो देखना है ना, टेक्स्ट ओवरफ्लो। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको समझा हुआ तो कोई फर्क नहीं, ओके, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं। फिर यहाँ पे कॉलम लगा, फिर से रो लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो कहाँ है वो, कहाँ पे चला गया। ओके यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे इस तरह से, कि अगर मुझे ब्रेक करना है वर्ड को, टेक्स्ट ब्रेक अपर केस में करना है तो अपर केस के लिए प्रॉपर्टीज है, लोअर केस करना है तो लोअर केस के लिए क्लासेस है, सॉरी प्रॉपर्टीज नहीं क्लासेस है। यहाँ पे देखो इन क्लासेस को अगर हम लोग यूज करते हैं तो वैसा वो टेक्स्ट काम करेगा उसके अंदर। मान लो देखो मुझे सब कुछ लोअर केस करना है यहाँ पे, तो अभी इसमें तो सब कुछ लोअर केस, ओके देखो ये कुछ कुछ इसमें है जो कैपिटल है इसको हम लोग को लोअर केस करना चाहते हैं, तो मैं क्लास लगा लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट लोअर केस। इससे क्या होगा, टोटल जितना भी रहेगा पैराग्राफ के अंदर वो सब कुछ लोअर केस में हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो सब कुछ लोअर केस में हुआ है। अगर मान लो मुझे अपर केस में करना है तो यहाँ पे क्लास चेक करना हम लोग को, कौन सी क्लास है अपर केस के लिए, टेक्स्ट हाइफन अपर केस, वो हम लोग ने लगा लिया यहाँ पे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पूरा टेक्स्ट देखो अपर केस में हो गया, कैपिटलाइज भी है यहाँ पे। देखो नीचे एक क्लास दिखेगा आपको कैपिटलाइज, मतलब पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। तो ये जो क्लासेस है छोटी छोटी क्लासेस है, आपको पढ़ के भी समझ में आएगी। और होती है फॉन्ट की क्लासेस, देखो अगर मुझे बोल्ड करना है तो फॉन्ट वेट बोल्ड, अगर किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है विदाउट यूजिंग बोल्ड टैग और समथिंग CSS प्रॉपर्टीज, और हम लोग को कुछ यूज नहीं करना, हम लोग सिंपल क्या करेंगे फॉन्ट वेट बोल्ड इतना लगाएंगे हम लोग सिंपल यहाँ पे। देखो सब कुछ बोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, फॉन्ट वेट बोल्ड यहाँ पे, देखो रिफ्रेश किया मैंने, देखो बोल्ड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज है ये, आपको पढ़ने के बाद भी समझ में आएगी, क्योंकि ये कम नहीं, काफी क्लासेस है, इतना पॉसिबल नहीं होता हर एक चीज लेना है यहाँ पे। इटैलिक करना है हम लोग को तो फॉन्ट हाइफन इटैलिक कर देना है यहाँ पे, देखो ये काम करेगा ऑटोमेटिकली, फॉन्ट हाइफन इटैलिक यूज किया मैंने, रिफ्रेश, देखो इटैलिक दिख रहा है आपको सब टेक्स्ट। ये इस तरह से काम करते हैं क्लासेस। अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे, देखो नॉर्मल है, इसमें अलग अलग टाइप है बोल्ड के लिए भी, बोल्डर मतलब ज्यादा बोल्ड चाहिए, या फिर नॉर्मल वेटेड टेक्स्ट, देखो नॉर्मल वेटेड टेक्स्ट यहाँ पे, फिर लाइट टेक्स्ट है मतलब थोड़ा सा लाइट लाइट वाला, इतना बोल्ड नहीं रहेगा वो, और यहाँ ये लाइटर वेट टेक्स्ट, इस तरह की कैटेगरी से इस तरह चाहिए हम लोग को, तो एक क्लासेस यूज करना हम लोग को मोनोस्पेस के लिए। देखो अगर वो मोनोस्पेस एक फैमिली है
याद होगा आप लोगों को, अगर मुझे इसको करना है इस तरह से, इस टेक्स्ट का फॉन्ट देखो, टेक्स्ट हाइफन मोनोस्पेस किया मैंने तो मोनोस्पेस हो जाएगा यहाँ पे फॉन्ट, देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और क्या क्या चीजें यहाँ पे, म्यूटेड वाला टेक्स्ट हम लोग ने देखा है ऑलरेडी, डायरेक्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर अपने को उसकी जो अंडरलाइन है एंकर टैग की जो अंडरलाइन आती है ना, उसको अगर निकालना है मुझे, तो हम लोग डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन वाली प्रॉपर्टी लगाते थे, राइट ना। तो वैसे यहाँ पे क्लास है इन लोगों ने दिया हुआ, देखो टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन हाइफन नन, ये क्लास है, इसका यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी डेकोरेशन होता है टेक्स्ट का वो नन हो जाएगा। अभी मान लो देखो यहाँ पे हमारे पास सक्सेस लिंक थी, इसके ऊपर मैं क्लास लगा लेता हूँ, इसकी जो अंडरलाइन है वो चली जाएंगी यहाँ से, देखो ये जो है ना सक्सेस लिंक, इसकी अंडरलाइन चली जाएंगी, देखो चले गई यहाँ से, देखो ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, छोटे छोटे क्लासेस है, नहीं कुछ वो नहीं है। अभी देखो यहाँ पे टेक्स्ट टाइपिंग है मोनोस्पेस, ओके एक मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल नहीं रहा, मैं वो कहाँ है वो ढूंढ रहा हूँ, मैं ओवरफ्लो में चेक कर लेता हूँ, मैं ओवरफ्लो हमारा हो गया, बट यहाँ पे देखो ऑटो और हिडन, और क्या था वो थी वो क्या नाम था उसका, प्रॉपर्टी था डिस्प्ले वाली एक थी, ओके यहाँ पे दिख नहीं रहा एक्चुअली वो नोट है पोजिशन स्क्रीन रीडर्स, बॉर्डर का है यहाँ पे, ये भी देख लेते चलते चलते हम लोग, हम लोग को अगर बॉर्डर चाहिए ना किसी चीज के ऊपर, देखो यहाँ पे देखो बॉर्डर के लिए ये क्लासेस है, अगर बॉर्डर लेके आनी है हमें तो ये क्लास चेक कर लेते हैं हम लोग पहले, क्या कितनी बॉर्डर आएगी इसको, कितने साइज की बॉर्डर आएगी बॉर्डर, इसमें चलते हैं हम लोग बूस्टर डॉट सीएसएस में, और यहाँ पे क्लास डॉट लगा लेता हूँ मैं, है कि नहीं यहाँ पे क्लास, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा एक्चुअली क्लासेस, ये जो बॉर्डर क्लास इन लोगों ने लगाई ये मुझे नहीं दिख रही, यहाँ पे बॉर्डर टॉप लग देखता हूँ सर्च करके, नहीं दिख रही है क्लास ही नहीं है हमारे पास, आई थिंक ये वर्जन में नहीं है या फिर कहाँ चलेगी, यहाँ पे देखो ये वाला क्लास है क्या, हम लोग चेक कर लेते हैं बॉर्डर हाइफन प्राइमरी होना चाहिए, ओके देखो है यहाँ पे है वो नीचे है, देखो अगर मैं बॉर्डर हाइफन प्राइमरी लगाता हूँ तो हमारे बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है जब बॉर्डर हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। तो पहले सबसे पहले हम लोग को अगर बॉर्डर लगाना है किसी चीज को, तो हम लोग को पहले सबसे पहले बॉर्डर लगाना पड़ेगा, देखो इन लोगों ने यहाँ पे बताया बॉर्डर डैश लगाना है और उसके आगे वैल्यू दी है इन लोगों ने, बट ये क्लास हमें क्यों नहीं मिली फिर, एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ फिर से एक बार, ये वाली क्लास हम लोग को बूस्टर डॉट सीएसएस में मिलनी चाहिए थी, बॉर्डर ओके देखो यहाँ पे मिली है मुझे बॉर्डर जीरो वाली, इस तरह से जीरो दिया है इन लोगों, बॉर्डर मुझे जीरो करना है तो किसी चीज की बॉर्डर लगी हुई बॉर्डर। अभी ये वाले क्लास को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चेक करके देखते हैं, जो हमारा कंटेनर है ना उसको ऑलरेडी एक बॉर्डर लगी है, देखो यहाँ पे इस वाले कंटेनर को, इसकी बॉर्डर हटा के देखते हैं हम लोग, मैं कंटेनर के साथ में ही एक क्लास लगाया बॉर्डर हाइफन जीरो, देखो भला जाती है क्या नहीं, ओके देखो चली गई यहाँ से बॉर्डर, देखा आप लोगों ने सिंपल है यहाँ पे, अगर मुझे टॉप जीरो चाहिए टॉप की बॉर्डर हटानी तो देखो ये वाली मैं लगा लूंगा यहाँ पे बॉर्डर टॉप जीरो, मतलब टॉप वाली जीरो करनी है, देखो टॉप वाली बॉर्डर जीरो हो चुकी है, सेकंड कंटेनर देखो ये वाला कंटेनर ऐसे ही ये सब क्लास, अगर मुझे राइट वाली जीरो करनी है तो बॉर्डर हाइफन राइट जीरो, बॉर्डर बॉटम वाली जीरो करनी है तो वो जीरो कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और ये जो है ये वाला भी यूज करके देखता हूँ मैं, वैसे मुझे मिला नहीं पर ये, बट फिर भी हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको लगा लूँ यहाँ पे बॉर्डर बॉटम, आई थिंक बॉर्डर बॉटम वाली बॉर्डर रह जाएगी, हट गई ठीक है ओके, हटने के लिए वो भी हटाने के लिए है यहाँ पे, देखो उसका कलर हट गया वैसे कि, और कुछ हुआ नहीं वैसे एडिटिंग, ये रिमूव करने के लिए है बॉर्डर कलर, ये देखते यूज करके ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि हम लोग बॉर्डर सक्सेस वाला देखते यूज करके क्या होता है वैसे डायरेक्टली, इसको हटा दूं मैं इस क्लास को, देखो सक्सेस वाली बॉर्डर आ चुकी है इसको यहाँ पे, ये सबको सक्सेस वाली बॉर्डर, सिंपल सिंपल चीज है इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, और ये देखो बॉर्डर डार्क वाली लेनी कलर की, तो इस तरह के बॉर्डर देखो ऊपर देखो यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह के बॉर्डर हमें चाहिए तो फिर हम लोग वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और अभी है बॉर्डर रेडियस की बारी, अगर मान लो मुझे करना है ये 75 x 75 वाला सर्कल करना है राउंडेड सर्कल, अभी मैं इसको चेक करके देखता हूँ यहाँ पे, पहले इसके ऊपर लगा लेता हूँ डायरेक्टली,
राउंडेड सर्कल होता है कि नहीं होता है चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक सर्कल हो रहा है बट काफी बड़ा हो रहा है। इसको हम लोग इमेजेस के साथ यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को इमेज देखना है ना, तब इसको मैं आपको दिखाऊंगा अच्छे से। ये बॉर्डर रेडियस को इसको रहने दो अभी फिलहाल के लिए, ये भी हम लोग देखते हैं राउंड वाले को। जब मैं आपको इमेज का बताऊंगा ना तभी ये चीजें करके दिखाता हूँ वहां पे मैं। अभी हम लोग को मैं दूसरी चीज पे फोकस कर रहा हूँ बट मुझे वो मिल नहीं रही, एक मिनट में सर्च कर लेता हूँ। टाइपोग्राफी नीचे देखा ये भी देखना है, काफी सारे हमें कंपोनेंट्स देखना है बूस्टर के। देख हुआ नहीं बूस्टर हमारा, काफी बाकी है। देखो यहाँ पे है एक चीज, ओके लिस्ट भी देखनी थी हमें बट अभी टाइम तो 6 मिनट है हमारे पास सिर्फ। डिस्प्ले डिस्प्ले देखो मैंने कहा था जब से कि हम लोग को अगर इस तरह से कुछ करना है ना, देखो स्लिम करना है टेक्स्ट को, स्लिम करना है और इस तरह से करना है। मान लो हेडिंग, इसको हेडिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग मोस्टली। देखो ये चीजों को इस तरह से अगर मुझे करना है तो आपको यूज करना है डिस्प्ले वन, ओके डिस्प्ले हाइफन वन करेंगे तो कुछ इस तरह से उसकी साइज हो जाएंगी और वो जो टेक्स्ट है हमारा वो स्लिम हो जाएगा। अभी देखो मैं इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ, ये जो हमारा एस टू मैंने यूज किया यहाँ पे, ये टेक्स्ट नाम जो लिखा है ना मैंने, इसके ऊपर मैं यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले तो इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर कर लो इसको मैं, पहले आ दिया मैंने उसको पहले। अब इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, वो वाला क्लास लगाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था डिस्प्ले हाइफन वन, तो इसका जो फॉन्ट है वो भी बढ़ जाएगा और उसका जो क्या बोलेंगे इसको जो बोल्ड है वो हट के वो थोड़ा स्लिम हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरह से देखा आप लोगों ने, अच्छा दिख रहा है काफी। अगर मुझे कुछ इस तरह साइज में चाहिए तो बाकी जो चीजें हैं ना यहाँ पे इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले टू डिस्प्ले थ्री फोर, तो ऐसे दिखेगा एग्जैक्टली वो जैसे हम लोग हेडिंग यूज करते थे ना वैसे ही सब कुछ। इसके नीचे यूज करता हूँ मैं डायरेक्टली, देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे और है बाकी नीचे लीड। देखो ये लीड जो है ना इससे क्या होगा, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर हम लोग किसी भी टेक्स्ट के ऊपर मान लो लगा लेते हैं तो ये टेक्स्ट ना जो हमारा थोड़ा स्लिम टाइप हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। मान लो देखो ये लीड नाम का क्लास है उसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, उसको उठाया मैंने और मैं हमारे पैराग्राफ पे आके लगा लेता हूँ यहाँ पे लीड। देखो इसका थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें, हमने इसके ऊपर काफी चीजें लगाई वैसे एक ही के ऊपर, वो मुझे नहीं लगता काम करेगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं काम कर रहा क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे बोल्ड वाला क्लास भी लगाया ना, इसलिए हम लोग एक नया पैराग्राफ लेते नीचे। ड्यू डॉट रो, एक सेकंड रो लिया मैंने, पैराग्राफ लिया पैराग्राफ टू के कीवर्ड्स का पैराग्राफ लेते यहाँ पे, ओके। और इस पैराग्राफ के ऊपर मैं ये वाला लीड नाम का जो क्लास है हमारा, क्लास लीड नाम का, जिससे थोड़ा स्लिम टाइप टेक्स्ट हो जाएगा जो दिख रहा है ना आपको इस तरह से हो जाता है, वो इसकी साइज भी कम रहेगी बट अच्छा लगेगा वो। यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे देखो नीचे वो कितना सही लग रहा है। और इसके बाद क्या है, कुछ इस तरह से हम लोग को टेक्स्ट करने तो हम लोग ये वाली चीजें यूज करते थे पहले भी, तो इसके लिए हमको दिया है इसने, नहीं दिया। देखो मार्क जो अगर करना है हम लोग को, मार्क वाला टैग यूज करते थे हम लोग मार्क करने के लिए टेक्स्ट को इस तरह से, तो अगर मुझे वो करना है ना तो मैं यहाँ पे डॉट मार्क भी यूज कर सकता हूँ। ऑल्सो एबल टू अप्लाई सेम स्टाइल्स, तो इन लोगों ने कहा है कि वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो करके देखेंगे हम लोग क्या है उसको, फिर मार्क वाला यूज करके देखते हैं। चलो इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, देखो तो इतने टेक्स्ट को मैं स्पैन कर मैं डालता हूँ स्पैन टैग, क्लास का नाम क्या है हमारे, देखो मार्क लगाना है मार्क क्लास, देखते हैं मार्क होता है या नहीं होता है। मार्क लगा लिया हम लोगों ने, सेव कर लिया, ओके यहाँ पे देखो मार्क हुआ है बट इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अलग है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर दिख रहा है, ये हो चुका है बट काम कर रहा है सही से, तो वहां पे हम लोग को मार्क टैग यूज करने की जरूरत नहीं, हम लोग ये वाला भी यूज करें तो चल जाएगा। और अगर स्मॉल अगर करना है किसी टेक्स्ट को तो स्मॉल भी हम लोग कर सकते हैं, मान लो देखो मार्क और स्मॉल किया मैंने उसके आगे, तो देखते इसका स्मॉल हुआ कि नहीं हुआ, देखो स्मॉल भी हो चुका है वो, बाकी के कंपैरिजन में वो जो टेक्स्ट है उतना स्मॉल हो चुका है। तो ये छोटे छोटे क्लासेस थे जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, ओके। और ये पॉपुलर एक है जो रह गया मुझसे बताने के लिए, ब्लॉक कॉट के लिए। मान लो अगर आपको देखो इस तरह से कुछ करना है,
किसी ने क्वोट कहा है वो आपको यहाँ पे बताना है, उसके नीचे देखो ये वाला। तो उसके लिए बूस्टर ने क्या किया, एक क्लास बनाया ब्लॉक क्वोट नाम का, और अगर आपको किसी ऑथर का नाम देना है तो उसके लिए नीचे नहीं कि इस तरह से अगर करना है, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, थोड़ा फेंट टाइप दिख रहा है देखो, ये जो होता है ना थोड़ा फेंट होता है फॉन्ट, तो उसके लिए भी इन लोगों ने बना के रखा है ब्लॉक क्वोट फूटर, आपको दिखाता हूँ। चलो ये एक हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पे डिव डॉट रो पे, ये भी देख सकते हैं, एक कर लेता है उसको 25 पहले। अगली बार से हम लोग वीएस कोड यूज करेंगे या फिर जावास्क्रिप्ट से करेंगे हम लोग यूज वीएस कोड को, वो इससे बेटर है। यहाँ पे देखो इन लोगों ने क्या किया है, बेसिकली एक ब्लॉक कोड टैग है हमारा जो होता है हमेशा, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है हमें किसी मान लीजिए जो होता है ना, ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें टेस्टिमोनियल हमारे वेबसाइट पे कोई आता है तो उसके थॉट्स कमेंट्स वगैरह, नहीं क्या किसी ने कुछ कहा है ऐसी अच्छी खासी लाइन शायरी वाली वेबसाइट पे या फिर कोट्स वाली वेबसाइट के ऊपर, ऐसे होता है सब कुछ। ओके तो लेस देन वन मिनट है, तो आप लोग इसको ट्राई करके देखना जरूर ये वाले टैग को, ओके सॉरी टैग को नहीं ये क्लासेस को। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट टुमारो, हम लोग कल मिलते हैं।